हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय विभिन्न दृश्य। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, आपके कमरे की छत पर लगा पंखा नीचे से देखने में कैसा दिखाई देता है, चित्र बनाएं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने कमरे की छत के पंखे का चित्र बनाना है कि वह नीचे से देखने पर कैसा दिखाई देता है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ चित्र लगा दिया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, नीचे कुछ वस्तुओं के शीर्ष और साइड दृश्य चित्रित किए गए हैं। चित्रों के दृश्य पहचानते हुए तालिका पूरी करें। उदाहरण स्वरूप एक हल किया गया है। आप देख सकते हैं चित्र में कछुआ, बोतल, सेब, कुर्सी, कैन, किताब, स्ट्रॉबेरी, शंकु, जूता, कार दी हुई है। अब हमें तालिका को पूरा करना है। तालिका में क्रम संख्या दी हुई है जो पहले से भरी हुई है। वस्तु का नाम दिया हुआ है, वह भी पहले से लिखा हुआ है। अब हमें क्या भरना है, दृश्य, शीर्ष दृश्य या साइड दृश्य। तो चलिए पहला करते हैं कछुआ। यहाँ लिखेंगे शीर्ष दृश्य क्योंकि यह ऊपर से देखने पर ऐसा ही दिखाई देता है। सेब शीर्ष दृश्य, बोतल बोतल में लिखेंगे साइड दृश्य, कुर्सी कुर्सी में लिखेंगे साइड दृश्य, कैन कैन में लिखेंगे साइड दृश्य, कॉपी कॉपी में लिखेंगे साइड दृश्य, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी में लिखेंगे साइड दृश्य, शंकु शंकु में लिखेंगे साइड दृश्य, जूता यह भी साइड दृश्य है, कार यह शीर्ष दृश्य है। तो बच्चों, हमने इन चीज़ों को वैसा ही लिखा है जैसा ये देखने पर लगेंगी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, कल्पना कीजिए आपका कमरा ऊपर से देखने पर कैसा दिखेगा, चित्र बनाएं व उसमें पलंग कुर्सी मेज आदि भी बनाएं। शीर्ष दृश्य जिसको टॉप व्यू भी कहते हैं और साइड दृश्य जिसको साइड व्यू कहते हैं। तो आपको अपना कमरा टॉप व्यू शीर्ष दृश्य से देखने पर कैसा लगेगा, इसे चित्रित करें और अपने चित्र में खिड़की दरवाजे पलंग कुर्सी आदि भी बनाएं। तो बच्चों, इस प्रश्न का जवाब आप स्वयं देंगे। आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पर चित्र लगा दिया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, रेलगाड़ी की पटरी आगे के सिरे से देखने पर चौड़ी और बड़ी नज़र आती है, लेकिन पीछे के सिरे से देखने पर संकीर्ण व छोटी नज़र क्यों आती है, सही विकल्प चुनिए। क, पीछे का सिरा अंततः बंद हो जाएगा। ख, दोनों सिरों को अलग अलग दूरी से देखा जा रहा है। अब अगर हम चित्र को ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे कि आगे के हिस्से को हम नज़दीक से और पीछे के हिस्से को बहुत दूरी से देख रहे हैं। तो इसका जवाब होगा ख। यहाँ हम ख पे सही का निशान लगाएंगे कि दोनों सिरों को अलग अलग दूरी से देखा जा रहा है। दूसरा करते हैं, क्या रेल की पटरी ऊंचाई से देखने पर भी ऐसी ही नज़र आएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं, चित्रित करें कि ऊपर से देखने पर रेल की पटरी कैसी दिखाई देगी। तो बच्चों, इसका चित्र आप स्वयं बनाएंगे। आपकी सहायता के लिए मैंने एक चित्र लगा दिया है जिसे देखकर आप चित्र बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, आशा कक्षा में अपने बेंच से मेज पर पड़ा फुट्टा नहीं देख पा रही थी, लेकिन जब वह मेज के पास पहुंचती है तो वह मेज पर रखी सभी लेखन सामग्री देख पाती है। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। पहला, क्या मेज पर कोई फुट्टा पड़ा हुआ है। तो बच्चों, आप चित्र में देखेंगे तो पाएंगे कि हाँ, मेज पर फुट्टा पड़ा हुआ है। तो यहाँ हम हाँ लिखेंगे। दूसरा, वह इसे अपने बेंच से क्यों नहीं देख पा रही थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, आशा इसे अपने बेंच से इसलिए नहीं देख पा रही थी क्योंकि जब वह बेंच पर बैठी थी
तो वह फुट्टा को साइड दृश्य से देखने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से वह फुट्टा नहीं देख पाई। पर जब वह मेज के पास पहुंची, तो उसने शीर्ष दृश्य होने के कारण आसानी से टेबल पर पड़ी चीज़ों को देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, भीम ऐप द्वारा ऑनलाइन पैसे चुकाना। बच्चों, आज जीवन कौशल में हम भीम ऐप द्वारा ऑनलाइन पैसे चुकाना सीखेंगे। प्रश्न एक, इस प्रकार के चित्र को क्या कहते हैं? सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसे बताइए क्या कहते हैं। तो यहाँ सही विकल्प है ख, QR कोड, तो इसे QR कोड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दो, भीम ऐप से पैसे चुकाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सही पर सही टिक लगाएं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि भीम ऐप से पैसे चुकाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और सही ऑप्शन पर आप सही का टिक लगाएंगे। तो यहाँ पांच विकल्प दिए गए हैं, फ़ोन, बैंक खाता, फ़ोन नंबर, बैंक पासबुक, ATM कार्ड। तो यहाँ सही विकल्प है क, फ़ोन। भीम ऐप से पैसे चुकाने के लिए हमें फ़ोन की ज़रूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीन, भीम ऐप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ की जा सकती हैं? हाँ या नहीं में उत्तर दें। तो बच्चों, नीचे कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं, आपको बताना है कि भीम ऐप द्वारा कौन सी गतिविधियाँ की जा सकती हैं और कौन सी नहीं। आप अपने उत्तर में हाँ या नहीं लिखेंगे। क गतिविधि, ऑनलाइन धनराशि प्राप्त की जा सकती है, हाँ। ख, नगद रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं, नहीं। भीम ऐप द्वारा नकद रुपए प्राप्त नहीं किए जा सकते। ग, खरीदारी की जा सकती है, हाँ। घ, विभिन्न प्रकार के बिलों का भुगतान किया जा सकता है, हाँ। तो भीम ऐप द्वारा जो गतिविधि की जा सकती है, वहाँ हमने हाँ पर लिखा है, और जो नहीं की जा सकती, वहाँ हमने नहीं लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। तो बच्चों, भगत सिंह जी ने ये नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। खाना पीना, लाल रंग के फलों जैसे अनार, सेब, आलू बुखारा तथा स्ट्रॉबेरी इत्यादि को आहार में शामिल करें। गतिविधि, क्ले मॉडलिंग से राष्ट्रीय पक्षी बनाना। अब आपको ये तो मालूम ही होगा कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। खेल, परिवार के साथ अंताक्षरी खेलें। तो आप अपने परिवार के साथ अंताक्षरी खेलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं, जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।